हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं वो बेबी फ्रॉक की लेकर आए हैं। हम इसमें कुछ अलग तरीके से बहुत प्यारी फ्रॉक बनाने वाले हैं, जिसके लिए हमने मेजरमेंट लिया है। ये फ्रॉक हम 7 से 8 साल की बेबी के लिए बना रहे हैं। उसका मेजरमेंट है चेस्ट 25 इंच, वेस्ट 23 इंच, शोल्डर 10.4, वेस्ट लेंथ यानी कि जो ऊपर की चोली होती है वो 10.4, और जो फुल लेंथ है वो हमारी 26 इंच है। तो 26 में से हम ये जो 10.4 है यानी कि 10.5 इंच कम कर देंगे। 26 में से माइनस 11 ही कर लेंगे तो ये हमारा 15 इंच होगा। तो जो नीचे की घेर रखेंगे वो हम 15 इंच रखेंगे, ऊपर की जो चोली रखेंगे वो 11 इंच रखेंगे। हमने अपना पेपर लिया है लेंथ के अकॉर्डिंग और चौड़ाई के अकॉर्डिंग। इस तरह हमने ये निशान लगा लिया है। यहाँ पर हमने शोल्डर का हाफ लिया है, यहाँ पर शोल्डर का हाफ और हाफ इंच प्लस यहाँ पर चेस्ट का फोर्थ भाग और यहाँ पर वेस्ट का फोर्थ भाग। फोर्थ भाग हम किस तरह लेते हैं, जैसे हमारा 25 चेस्ट है तो इसको 25 पे रखेंगे और फिर इसको 4 तह में कर देंगे तो ये हमारा 6.25 इंच आया है। तो यहाँ पर 6.25 इंच रखा है। इसी तरह फोर्थ भाग हमने यहाँ पर वेस्ट का रखा है। इसी में हम फ्रंट बैक दोनों कट कर लेंगे। ये बैक पोर्शन है और ये फ्रंट। फ्रॉक बनाने के लिए हमने 3 मीटर नेट ली है और 2 मीटर अस्तर लिया है। तो पहले अस्तर को फोल्ड करेंगे और फ्रंट और बैक निकाल लेंगे। ये हमने बैक पीस लिया है और जो इसका नेक है वो ओपन की साइड रखा है। यहाँ पर हमने ये 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है, यहाँ पर सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रखा है और लंबाई में हम पेपर में ही एक्स्ट्रा रख चुके थे। ये हमारा फ्रंट पोर्शन है, यहाँ पर भी हमने ये सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रखा है। ये दोनों फ्रंट बैक हमने निकाल लिए हैं। अब हम अपनी ये नेट लेंगे और ये फ्रंट और बैक इसके ऊपर रखेंगे और कटिंग कर लेंगे। हमने फ्रंट और बैक दोनों पीस निकाल लिए हैं नेट के, इनको हम साइड में रख देंगे और इसको इस तरह खोल लेंगे। जो फ्रंट का पोर्शन है हमारा तरह हम यहाँ पे ये कटिंग करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा स्तर है इसमें हम 1 शोल्डर तैयार करेंगे।
ये जो नेट है हमारी, ये हम बाद में कट करेंगे क्योंकि पहले हमें ये नीचे का नेक तैयार करना होगा। हमने फैब्रिक लिया है, ये नीचे घेर के लिए लिया है। जितनी भी हमारी चौड़ाई थी वो हमने पूरी रख ली है और यहाँ से जो लेंथ रखी है वो 16.5 इंच रखी है। अब इसको हम कट कर लेंगे। ये नेट लेंगे, जितनी हमने ये अस्तर की लेंथ रखी है लेंथ इतनी रखेंगे, लेकिन इसकी चौड़ाई ज़्यादा रखेंगे क्योंकि इसमें हमें गैदर्स तैयार करने हैं। ये हमने ऊपर के घेर भी कट कर लिए हैं। जितनी भी हमारी ये लेंथ थी, यानी कि टोटल हमारी 3 मीटर नेट है, और जितनी हमारी चोली में लगा है बाकी हमने पूरी लेंथ इसकी पूरी चौड़ाई घेर में रख ली है। अब हम यहाँ पर 22 किरण की पट्टी को सेट करेंगे। तो पहले ये वाली जो हमने फोल्ड की पट्टी, इसको खोल लेंगे और उसके बाद यहाँ से इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। और ये हम एक ही पीस में लगाएंगे क्योंकि इस साइड हमारा जब नेट आएगा तब होगा तैयार। तो इसको यहाँ पर सेट कर लेंगे और ये वाला पीस हम बाहर रखेंगे। इस तरह हमने यहाँ पर ये पट्टी लगाकर फोल्ड कर दी है। यहाँ पर एक सिलाई लगाकर इसको नेट को सेट कर लेंगे और यहाँ पर ये इसको इस तरह फोल्ड करेंगे। और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे, यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इसी तरह ये वाला पीस लेंगे। इसको यहाँ पर इस तरह फोल्ड करेंगे नेट को, नेट के साथ। और इसको यहाँ पर फोल्ड कर देंगे। और जो ये फ्रंट वाला पोर्शन है, इसमें हमने बैक साइड सीधी नेट लगाई है। ये यहाँ पर सीधी नेट है हमारी। तो यहाँ पर हम एक सिलाई लगाएंगे और इसे नेट को पलट लेंगे। यहाँ पर सिलाई लगाकर नेट को पलट लेंगे। हमने ये अपने तीनों पीस तैयार कर लिए हैं। ये बैक है और ये फ्रंट है। तो ये हमारा जो वन शोल्डर है, यहाँ पर ये नेट है एक्स्ट्रा, इसको हम कटिंग करेंगे और फिर इसको अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे इस तरह। और जो ये हमारी एक्स्ट्रा नेट है, इस फैब्रिक को हम इस तरह अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। और फिर इसको नेट को यहाँ रखने के बाद एक सिलाई लगा देंगे। तो ये पीस हमारा तैयार हो जाएगा। अब ये वाला पीस लेंगे अपना। यहाँ पर हमने ये सिलाई लगाकर सेट कर लिया है नेट को। अब ये हमारा फ्रंट पोर्शन है। और इस तरह इसको हमने पलट लिया है। पलटने के बाद एक सिलाई हम यहां पर लगाएंगे और फिर यहां पर सिलाई लगा देंगे जिससे हमारी नेट और फैब्रिक दोनों सेट हो जाए। अब हम इसके शोल्डर ज्वाइंट करेंगे दोनों पीस। एक ये तो हमारा यहाँ आएगा क्योंकि एक ही शोल्डर है, और ये वाला पीस हमारा यहाँ आएगा।
तो यहाँ पर हम ये फिटिंग के अकॉर्डिंग सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड, और ये शोल्डर में सिलाई लगाएंगे। इस तरह हमने यहाँ पे शोल्डर ज्वाइंट किया है और बैक साइड के दोनों पीस ज्वाइंट कर लिए हैं। अब एक साइड के लिए हम स्लीव्स कट करेंगे। ये हमारा बचा हुआ नेट है। हमने एक पीस लिया है नेट में से, यहाँ से हमने ये 13 इंच रखा है और यहाँ से 16 इंच रखा है, तो हम इसको दोनों साइड से तो फोल्ड कर देंगे और फिर इसके हम इस तरह गैदर तैयार करेंगे इस तरह। हमने एक साइड ये स्लीव सेट कर दिए जैसे हम नॉर्मल स्लीव लगाते हैं, और जो हमने फैब्रिक कट किया था साइड से फोल्ड किया और यहाँ पर गैदर तैयार कर लिए हैं, उनको इस तरह खींच कर छोटा कर लिया है। अब हमें ये यहाँ पर सेट करना होगा इस तरह। तो हमारा ये यहाँ पर शोल्डर पर आएगा और बहुत प्यारा लगेगा पहनने के बाद। जितनी इसकी हमारी ये लेंथ है उतना ही हम ये सामने इसको ज्वाइंट करेंगे। दोनों साइड सिलाई लगाएंगे और ये सेट कर लेंगे इस तरह। हमने यहाँ पर ये सिलाई लगाकर सेट कर लिया है। अब हमें इसकी बैक साइड सिलाई लगानी होगी, तो उसके लिए हमें जितना यहाँ से ओपन रखना है ओपन रखेंगे और बाकी जो नीचे का पोर्शन है उसमें सिलाई लगा देंगे। साइड से हमने इसको ओपन कर लिया है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इसके नीचे ही घेर ज्वाइंट करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, ये जो बढ़वा पट्टी है इसके ऊपर इसको इस तरह रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। इस तरह हमने यहाँ पर ये सिलाई लगा ली है और इसको ऊपर से ओपन रखा है। और अब हमने ये नीचे की घेर लिए हैं। नीचे की घेर में हमने एक साइड नेट में लंबी सिलाई लगाई है गैदर तैयार करने के लिए, और अस्तर में अब इसको धागा खींचकर हम इतना कर लेंगे जितना हमारा ये एक साइड का पीस है। और अब नेट को भी हम धागा खींचकर इसके बराबर कर लेंगे, फिर दोनों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह रखेंगे और एक सिलाई लगा देंगे। अब हमें इसके जो अस्तर है इसको फोल्ड करना होगा। इस तरह हमने ये अस्तर को फोल्ड कर लिया है और नेट हमारी यहाँ पर हम पिको कर लेंगे या इसको ऐसे ही रहने देंगे। इस तरह हमारे फिरोक रेडी हो गया है।
बनने के बाद बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ पर अगर आप ये लगाना चाहे नेट तो लगा सकते हैं, नहीं तो इसको ऑफ शोल्डर ऐसे भी रहने दे सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।